देवभूमि उत्तराखंड में इन दिनों वर्तमान महापौर सुनील उलियाल गामा की बेटी की नियुक्ति खूब चर्चाओं में है। नियुक्ति से जुड़ा पीआरडी एवं युवा कल्याण अधिकारी का पत्र सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है। जिला पीआरडी एवं युवा कल्याण अधिकारी के हस्ताक्षर वाले इस पत्र में 4 कर्मियों की नियुक्ति की गई है। इसमें 2 स्टाफ और 2 सुरक्षा गार्ड शामिल हैं। इस नियुक्ति के चर्चा में आने की सबसे बड़ी वजह यह है कि लेखाकार के पद पर चयनित श्रेया उनियाल देहरादून के वर्तमान महापौर सुनील उनियाल गामा की बेटी है। सोशल मीडिया पर जहां लोग बैकडोर से श्रेया की नियुक्ति करने का आरोप लगा रहे हैं, वहीं लोगों का यह भी कहना है कि यह नियुक्ति बिना किसी पूर्व विज्ञप्ति से की गई है, क्योंकि भारतीय चिकित्सा परिषद के रजिस्ट्रार की ओर से इन 4 पदों पर नियुक्ति के लिए 17 जुलाई को ही डिमांड भेजी गई थी और उसी दिन नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए, जिसको देखते हुए प्रतीत भी होता है कि नियुक्ति प्रक्रिया में धांधली हुई है। बहरहाल सच क्या है ये तो किसी जांच से ही सामने आ पाएगा, परंतु देहरादून के मेयर का कहना है कि मेरी बेटी की नियुक्ति के लिए कोई सिफारिश नहीं की गई, न ही किसी पर दबाव डाला गया। आपको बता दें कि 2018 में विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल के बेटे की नियुक्ति भी विवादों में आई थी, जिसके बाद जल संस्थान में सहायक अभियंता के पद पर तैनात हुए विधानसभा अध्यक्ष के बेटे अपूर्व अग्रवाल ने इस्तीफा दे दिया था।